नरसिंहपुर में साहू समाज द्वारा महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें मांग की गई कि डुंगरिया छपारा में साहू समाज के पूरे परिवार की गला रेत कर हत्या कर दी गई। दो नाबालिग बच्चों सहित उनकी मां को भी मौत के घाट उतार दिया गया था। शेख इकरार कुरैशी उर्फ पप्पू के द्वारा धारदार हथियार से निर्मम हत्या कर दी गई, जिससे समस्त साहू समाज बहुत दुखी और आक्रोशित है और अपराधी द्वारा किया गया युक्त जघन्य अपराध की घोर निंदा करता है। और साथ ही महामहिम राज्यपाल महोदय एवं मध्य प्रदेश शासन के प्रशासनिक तंत्र से साहू समाज द्वारा मांग की जाती है कि उक्त अपराधी की न्यायालय में जल्द से जल्द सुनवाई की जाए और आरोपी को फांसी की सजा सुनाई जाए। ज्योति साहू एवं उसके दो बच्चों की निर्मम हत्या के संबंध में आरोपी इकरार कुरैशी के द्वारा ज्योति साहू एवं उसके दो बच्चों का मर्डर कर दिया गया है। छपारा पुलिस के द्वारा तत्परित कार्रवाई करते हुए उसको गिरफ्तार तो कर लिया है, मगर हम शासन एवं राज्यपाल महोदय से निवेदन करते हैं कि ऐसे अपराधों के रोकने के लिए इस अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, अगर संभव हो सके तो इसको फांसी की सजा दी जाए, जिससे कि आने वाले भविष्य में ऐसे अपराधों पर रोक लगाई जा सके। लांजी क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम बापड़ी के स्कूल ग्राउंड में ग्रामीणों के द्वारा मां दुर्गा के नवरात्रि और मधुमास के पावन पर्व पर 2 अप्रैल 2022 को कथावाचक पूज्य साध्वी कृष्णा देवी मानस किंकड़ी के मार्गदर्शन में भव्य कलश यात्रा निकालकर विधिवत पूजा अर्चना कर दिव्य संगीतमय श्रीमद् भगवत कथा ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ किया गया। गुप्त श्रीमद् भगवत कथा में 2 अप्रैल को कलश यात्रा, दर्शन, भक्ति, नारद संवाद, गोकुल पारख्यान, दिनांक 3 अप्रैल को षट प्रश्न, भीम स्तुति, परीक्षित जी का जन्म और 4 अप्रैल को सृष्टि क्रम और इसी के साथ 9 अप्रैल को स्वमंतनक, मणि प्रसंग, सुदामा चरित्र कृष्णा, उद्धव संवाद और साथ ही कथा विश्राम किया गया और 10 अप्रैल को पूर्णाहुति कन्या भोज प्रसादी के साथ कार्यक्रम संपन्न किया गया। करीब 27 वर्ष के बाद ये दिव्य ज्ञान यज्ञ नव वर्ष के उपलक्ष्य में नवरात्रि में संपन्न हुआ है और इस गांव के सभी भक्तों ने बहुत बढ़ चढ़ करके भाग लिया है और मुझे जो 8 दिन में देखने को मिला, जो विगत 27 वर्ष से जो व्यक्ति सत्संग की ओर से सोया हुआ था, जो जागृत होता मुझे नज़र आ रहा है और सभी बापड़ी ग्राम के सभी भक्तों का बड़ा बढ़ चढ़ करके सभी भाग ले रहे हैं और सभी आशा करते हैं कि आगामी ऐसे सत्संग चलता रहे। अब आप अपने पसंदीदा चैनल राजपुर टीवी को देख सकते हैं पसंदीदा OTT प्लेटफॉर्म पर, डेली हंट, रॉक टीवी, MX प्लेयर, i2i, ईबाबा, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी, जियो फाइबर बॉक्स, पेटीएम टीवी, IPTV गैलेक्सी, फास्ट अवे, IPTV और रॉक क्यू टीवी पर।